कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच मंगलवार यानी आज सुखबीर सिंह बादल फरीदकोट अदालत विच पेश होए। उन्होंने अदालत विच हाजिरी लगवाई जबकि उन्होंने तो इलावा कोई होर उत्थे नहीं पहुंचा। बाकी सारे ने पेशी माफ करवा ली। इस मामले की अगली सुनवाई हुण 14 जून में होगी। जिक्रयोग है कि इस मामले च गठित की गई SIT ने 24 फरवरी को चार्जशीट दायर कर दी थी जिस विच सुखबीर बादल सनी 6 पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल ने। जिक्रयोग है कि 2 हफ्ते पहला कोटकपुरा गोलीकांड की जुडिशियल मजिस्ट्रेट अजयपाल सिंह की अदालत में सुनवाई दौरान DIG अमर सिंह चाहल खुद पेश हुए जबकि पंजाब के सबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल थाना सिटी कोटकपुरा के सबका SHO गुरदीप सिंह पंदेल सबका DGP सुबेद सैनी IG परमराज सिंह उमरा नंगल सबका SSP सुखमिंदर सिंह मोगा के सबका SSP चरणजीत शर्मा के अदालत में पेश नहीं हुए जिन्होंने अपनी हाजिरी लिए मानयोग अदालत में हाजिरी मुआफी लिए अर्जियां पेश की अदालत ने उन्होंने हाजिरी तो छोड़ दे दी। सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की मौत होने कारण संबंधित थाने तो रिपोर्ट की मांग की। जानकारी अनुसार साल 2015 कोटकपुरा गोलीकांड LK यादव की अगवाई हेठ SIT DGP जुडिशियल मजिस्ट्रेट अजीत सिंह की अदालत में टीम ने सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और 6 पुलिस अधिकारियों खिलाफ 24 फरवरी को चार्जशीट और अप्रैल में सप्लीमेंट्री चलान पेश किया। मैं लगता जिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तजियां आम आदमी पार्टी उड़ाई जाती है मिसाल हर चीज वायलेशन आ कर रहे हैं। हूँ आ मैटर डिस्कशन का है ए बयान देना कोई मैं नहीं कह सकता पर जे तुसी उन्हां दी सरकार चलाउण दी नीतियां देखो कानून तो देख ही नहीं रहे कानून की कोई चीज़ पंजाब है ही नहीं। वो हुण अपना पुलिस अपनी फोर्स यूज करके हुण अपने कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी का वड्डा पिलर मीडिया है मीडिया अज फ्री एंड फेयर है तो इस करके अपनियां नकामियां नूं लुकाउण वास्ते आ चीज़ां कर रहे हैं। Subscribe to One India channel and never miss an update.